नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत में जो बाघों की गणना के द्वारा गिनीज वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड किया गया है उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे हमारे देश में बाघों की स्थिति क्या है और उसके लिए विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके संदर्भ में बात कर लूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछले वर्ष का वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित अखिल भारतीय बाघ आकलन था, यानी 2018 के जो चौथे क्रम के परिणाम थे, वो उसमें सबसे बड़े कैमरे ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अब मैं आपको कैमरा ट्रैप के बारे में अगर बता दूँ, तो जो कैमरा ट्रैप है तो इसमें ये क्या किया जाता है कि जो कैमरा होता है इसमें मोशन सेंसर के साथ लगे हुए फोटोग्राफी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी जैसे ही उस सेंसर के सामने से कोई भी जानवर गुजरेगा तो वो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए 141 विभिन्न जगहों पर 26,838 स्थानों पर रखा गया था, और जो इसका दायरा था वो लगभग 121,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावी क्षेत्रों में इसका पूरा सर्वेक्षण किया गया है। तो आप टोटली आप इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोग्राम था, और इस वजह से भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया इस सर्वे को लेके। अब हम दोस्तों भारत में बाघों के स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नवीनतम गणना जो 2018 का सेंसस हुआ है उसमें जो हमारा डाटा आया था उसमें देशों में बाघों की अनुमानित संख्या करीब 2,967 बताई गई है, यानी 2,967। और ये जो संख्या है ये विश्व भर में भारत के वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 75% निवास बाघों का हमारे देश में है। ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाघ जो है हमारे इकोसिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें आपको होगा कि जो 2010 में एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक घोषणा की गई थी जिसमें बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो दोगुनी लक्ष्य करने का जो निर्धारित डेट था वो था 2022 तक, यानी 2022 तक हमें अपने देश में बाघों की संख्या जो जो इसमें वो देश थे उनको 2022 तक अपने देश में बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। अब ये जो निष्कर्ष आया है इसमें हम जान लेते हैं कि किन स्टेट ने अच्छा प्रोग्राम किया और किस स्टेट में बाघों की कितनी संख्या और कहाँ पे किस स्टेट में प्रोग्राम सही नहीं रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में जो बाघों की सर्वाधिक संख्या है वो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। तो 2018 से पहले जो 2014 का सर्वे था उसमें कर्नाटक नंबर एक पे था, लेकिन इस बार कर्नाटक को ओवरटेक करते हुए मध्य प्रदेश ने पहला स्थान लिया है। तो मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या वो 526 है, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 है। और जो संरक्षित क्षेत्रों की संख्या अगर देख ली जाए तो इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 से बढ़कर 860 हो गई है, और जो सामुदायिक लेवल पे जो इसको संरक्षण दिया जाता है उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, जो 43 से बढ़कर 100 हो गई है। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ, आप इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, तो आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 2006 से लेकर 2018 तक हमारे देश ने कितना अच्छा काम किया है। 2006 में हमारे बाघों की संख्या अगर देखी जाए तो 1411 थी, फिर 2010 में 1706 हुई, फिर 2014 में 2226 हुई, और जो हाल ही का सर्वे है 2018 का उसमें 2967 हुई। और इसमें जो सबसे अच्छा काम हुआ, जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है वहाँ का, वहाँ पे बाघों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है। और फिर तमिलनाडु के जो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है वहाँ पे 2014 में स्थिति उतनी सही नहीं थी, लेकिन जो 2018 का जो सर्वे आया है हमारे सामने उसमें ये बताया गया कि जो वहाँ का सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है वहाँ की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। और छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी पाई गई है। तो ये बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ मिजोरम में जो पिछले 2014 का जो सर्वे था वहाँ उस समय के हिसाब से इस बार का जो 2018 का सर्वे लिया गया उसमें बाघों की संख्या में कमी पाई गई है। और उड़ीसा में बाघों की संख्या को एक तरह से कह सकते हैं स्थिर माना गया है, कि ना तो वहाँ प्लस हुआ है ना माइनस माना गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों,
जो अब बात कर लेते हैं कि जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है या आकलन है वो कैसे कार्यान्वित होता है और इसके पीछे क्या क्या मुहिम चलाई गई और कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अखिल भारतीय बाघ आकलन को जो होता है सर्वे प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से और भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के में जो तकनीकी सहायक होते हैं इनके द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें जो राज्य वन विभागों और अन्य भागियों द्वारा कार्यान्वित होता है, मतलब स्टेट भी इसमें अपनी भूमिका निभाती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसमें होती ही होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें प्रोग्राम कैसे कैसे चलाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हमारे देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय यह आंकला गया कि हमारे देश में टाइगरों की संख्या निरंतर बाघों की संख्या घटती जा रही है। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में और जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.2 के क्षेत्रफल के बराबर सफलतापूर्वक जारी है और वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप से काफ़ी अच्छे से इसका अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि आप इससे देख सकते हैं कि हमने 4 साल पहले जो कि 2022 का हमारा आकलन था उससे पहले हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब दोस्तों अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है द्वारा वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी M-STRIPS, तो M-STRIPS का अगर फुल फॉर्म मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँ तो जो M-STRIPS का फुल फॉर्म है वो आपको ये होगा कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। फिर 2010 में जो पीटरवर्स टाइगर समिट है उसमें वैश्विक स्तर पर जो 13 टाइगर रेंज थे यानी बाघ रेंज वाले देशों में उसमें TX2 का एक नारा दिया गया था जिसमें ये बताया गया कि हम 2022 तक अपने बाघों की संख्या को दोगुनी कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें विश्व बैंक की भी भूमिका आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमताओं का उपयोग करते हुए जो होता है कि बाघ एजेंट को मजबूत करने हेतु एक वैश्विक साझेदारों द्वारा एक मंच को एकत्रित किया, मतलब एक विश्व बैंक का ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम चलाया गया और इसमें लोगों को इकट्ठा किया गया और टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए उनके इकोसिस्टम की महत्ता को बताते हुए ये बताया कि हमारे लिए कितना जरूरी है। उसके बाद फिर दोस्तों इसी वर्ष ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल एक संस्था के रूप में स्थापित की गई। मतलब इन वर्षों में के बीच में जो आपको बताऊंगा कि जो GTI यानी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की एक पहल है, तो उस पहल के माध्यम से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल यानी एक संस्था स्थापित की गई। तो ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम तथा ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बाघों के संरक्षण संबंधित कार्यक्रम को चला रही है, यानी ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम और ग्लोबल टाइगर फोरम के माध्यम से बाघों के संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि किस किस स्टेट ने अच्छे कहाँ पे कितनी संख्या है। तो बिहार में 31, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 173, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे किस स्टेट में कहाँ पे टाइगरों की कितनी संख्या है। और इस लास्ट ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया में किस तरह से कितना अच्छा प्रोग्राम अच्छा टाइगरों को कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाया और इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कितने ऊपर तेजी से गया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।